हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट EVS। टॉपिक जो है हमारा सॉइल पोल्यूशन जो चलता आ रहा है, हमारा कंटिन्यूस टॉपिक है। उसके सोर्सेज पढ़े हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, जो सोर्सेज बताया था आप लोगों को। फिर इसके बाद हमने उसके बाद जो वीडियो बनाया था आप लोगों को, उसमें हम इफ़ेक्ट्स पढ़े, जिसमें हमने दो बड़े बड़े इफ़ेक्ट्स पढ़े थे हम कि क्या कौन सी चीज़ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते। तो एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ या ख़ासकर एनिमल स्पीशीज़ की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा और ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसका, सॉइल का। दूसरा इफ़ेक्ट हम पूरे इकोसिस्टम पे ही सॉइल का इफ़ेक्ट पड़ता है। नाउ जो हम आज पढ़ रहे हैं आप लोगों को, वो है कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इसको हम थोड़ा लिखेंगे, ये वाला जो हमारा मेन टॉपिक था सॉइल पोल्यूशन, इसमें हम कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, चलिए कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मेन चीज़ों का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे स्टेप्स जो गवर्नमेंट द्वारा, पब्लिशर्स द्वारा सजेस्ट किया गया है सॉइल को कंट्रोल करने का, वो हमें हेल्प करता है कि हम कैसे सॉइल पोल्यूशन से सॉइल को बचाया जा सकता है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट कर सकता है। तो हमें इन जनरल ये देखना चाहिए, ये ज़रूरत है कि लेस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, अगर हमें ख़ासकर सॉइल पोल्यूशन से चीज़ों सॉइल को बचाना है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें तीन स्टेप्स का फॉलो और उन रूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ द वेट, हम यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को कि कुछ देखें आप लोग, यहाँ देखें आप लोग, इन तीनों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, हमें सबसे ज़्यादा यानी R3 का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है रूल, यानी जिसमें हमने रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल जितना हो सके कम कराना है, जितना हो सके दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करना है। तीसरा ये कि दोबारा बनाने की कोशिश करना चाहिए उसको, और रीसाइकल करने की कोशिश करना है। तो 3 R's को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़। सबसे पहले रिसाइकल में क्या है कि रिड्यूस में क्या है कि हमें केमिकल फर्टिलाइज़र को जितना हो सके रिड्यूस कराना है, कम कराना है उसकी यूजेज, और पेस्टिसाइड्स जितना हम इस्तेमाल करते हों फॉर प्रोडक्शन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस में प्रोडक्शन को ज़्यादा कराने के लिए, हम ये भूल जाते हैं कि हम उस प्रोडक्शन के पीछे हम दूसरे नुकसान, दूसरे जितने सारे हम डीलिमिटेशन कराते हैं। तो उसको हमें जितना हो सके एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कराना है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको कम कराना है। ठीक है, तो जितना हो सके आपको बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कराना पड़ेगा, मैनुअर का इस्तेमाल कराना पड़ेगा, और केमिकल फर्टिलाइज़र को रिड्यूस करोगे, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना कम करोगे। ये एक बायोलॉजिकल मेथड है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जितना हो सके हम बायो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, उससे हमारी यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स और जितना हो सके सॉइल पोल्यूशन को मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल ना करके। ठीक है, जिससे सॉइल पूरी तरह कंटामिनेट हो जाता है उनकी केमिकल्स की वजह से, फर्टिलिटी बिल्कुल लॉस हो जाता है अगर हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें तो। ठीक है, सो रिड्यूसिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन पेस्टिसाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। दिस इज़ द वन थिंग। अनदर थिंग इज़ द रीयूजिंग ऑफ मटेरियल,
जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है चीज़ों पे, हर चीज़ पे, तो उसकी रीयूज़ कराना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल सजेस्ट ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक बैग्स, पेपर क्लोथ, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हों उनको हमें कम कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो हम यानी डेली लाइफ में अगर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उस डेली लाइफ की चीज़ों से क्या होता है कि हम उनमें रीयूज़ ना करें, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल ना करें, तो हम बहुत ज़्यादा ख़ासकर प्लास्टिक जैसे चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो ख़ासकर सॉइल के साथ डिग्रेड नहीं होता, उसके साथ मिल नहीं जाता, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी जो सॉइलिड वेस्ट मैनेज सॉइलिड वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें जितना हो सके सॉइलिड वेस्ट को कम कराना है, जिससे हमारी सॉइल पोल्यूशन ना हो। जितना हो सके ग्लास कंटेनर का अगर इस्तेमाल करें तो बार बार इस्तेमाल करें, उसको फेंके ना एक बार इस्तेमाल करके। प्लास्टिक बैग का जितना हो सके आपको कम ही कराना है यूज़, यानी ना करना है बिल्कुल। अगर करें तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। पेपर्स का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, ताकि हमारे प्लांटेशंस ऐसे ही रहें, ज़्यादातर कटिंग ऑफ ट्रीज ना हो। क्लोथ्स का ज़्यादातर हम दोबारा इस्तेमाल करें, उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बार इस्तेमाल करके फेंके ना। तो हम इससे क्या कर सकता है, रीयूज्ड करके हम डोमेस्टिक लेवल के सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है, और ख़ासकर दूसरा रिड्यूस कर सकते हैं हम सॉलिड वेस्ट को, पोल्यूशन सॉइल को पोल्यूशन होने से बचाया जा सकता है। तो रीयूजिंग ऑफ मटेरियल भी एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। द थर्ड वन इज़ इसके बाद हम देखेंगे रिसाइकलिंग एंड रिकवरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम ये ज़रूर आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू सो मच।